Baby is kicking continuously. He's so charged. Hey guys, welcome back to my channel. This is Sonia Chauhan and welcome back to another episode of my pregnancy series. In this video, I'll be talk about the pregnancy essential or pregnancy must-haves. So these are the must-haves which I have used in my pregnancy. So my pregnancy got smoother and better. So I just wanted to share my experience and what I have used so that it might help you in your pregnancy if you are pregnant or if you are planning to get pregnant. कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं या फिर कुछ ऐसी habits हैं जो pregnancy में मैंने apply करी और जो मुझे काफी अच्छी लगी और I think मुझे लगता है वो मुझे शेयर करनी चाहिए ताकि आपको भी बेनिफिट हो एंड देन यू कैन थैंक मी लेटर टू टेल यू दैट एक प्रेगनेंसी सीरीज है जो दिस इज द थर्ड वन सो अगर आपने पहले दो नहीं देखे हैं तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट एंड मैं आगे भी आई होप बनाने वाली हूँ और भी इफ यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम टू माई चैनल प्लीज लाइक दिस वीडियो share with your friends and family who are going to get pregnant or who are pregnant you can share with them and let's start this video and yeah I hope you will like it I have categorized everything by trimester to trimester so you know that it's three trimester included in the pregnancy so start karte hain first trimester se like shuru mein aapko pata hi hai ki फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऑफ एनी वुमेन जिसमें सब ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है आपकी बॉडी के साथ आपके साथ आप में फिजिकली आपको बहुत नेगेटिविटी भी आ जाती है मूड स्विंग्स होते हैं क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल ट्राइमेस्टर एंड इसमें काफ़ी प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं लाइक मैक्सिमम तो बेड रेस्ट ही बोल देते हैं डॉक्टर में क्या होता है बहुत ज़्यादा ऐसे नेगेटिविटी और मूड स्विंग्स और इरिटेशन आप कह सकते हो होता है तो आई वुड से कि आप ऐसा कुछ करो तो बिल्कुल ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो मतलब ऐसा कोई मैजिक तो नहीं हो सकता बट या यू कैन कोप अप विद दोज नेगेटिविटी के साथ जीना सीख सकते हो लाइक डूइंग समथिंग विद दैट बिकॉज तीन महीने आप वही सब कुछ सोचते रहोगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है आई नो जिसके साथ होता है ना ओनली शी कैन अंडरस्टैंड नॉट इवन हर हस्बैंड आई वुड सजेस्ट कि आपको ही कुछ करना पड़ेगा सो द फर्स्ट कैटेगरी इज ऑल अबाउट टू कोप अप विद द नेगेटिविटी एंड द मूड स्विंग एक्सेट्रा सो जो चीज़ मुझे हेल्प करी थी उस सब चीज़ों से जूझने के लिए तो सबसे पहले मैंने बेबी पिक्स मैंने ऑर्डर करी थी ऑनलाइन हर कोई अपने बेडरूम में वो बेबी की पिक्स लगाता होगा बट मैंने उस टाइम पे लगाई थी क्योंकि एज यू नो मैंने पिछले अपनी वीडियो में बताया था कि मुझे कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कौन सा टाइम आएगा जब मैं खुश होने वाली हूँ तो तीन महीने तक मैंने कुछ ऐसा बेबी की पिक्स तक नहीं लगाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी बट जैसे ही सब कुछ ठीक सा लगा और सबसे पहले मैंने ऑनलाइन बेबी पिक्स ऑर्डर करी और अपने घर पे लगाई तो मैं क्लिप डाल दूंगी तो मैंने चार एक सेट था पिक्स से बेबी के तो क्या था ना कि तुम जितने नेगेटिव हो रहे थे ना तो जब जब मैं उन बेबी की फोटो देखती थी हंसते हुए बेबी की तो मुझे अपने आप हंसी आ जाती थी खुद सो मेरा भी मूड ऐसे चेंज हो जाता था जब भी मेरी नज़र पड़ती थी ऐसे कभी दीवारों पे कोई वहाँ से बेबी हंस रहा है इधर देखती थी तो यहाँ से बेबी हंस रहा है तो वो एक फीलिंग आने लग गई थी कि हाँ मतलब मेरे अंदर भी एक बेबी है और जो बाहर आएगा तो शायद ऐसा ही लगेगा लोगों को लगता है नॉर्मल चीज़ है बट इट्स नॉट नॉर्मल इससे आपका वाकई में एक आपको पॉजिटिविटी मिलती है आपका मूड चेंज होता है आप जो नेगेटिव सोच रहे होते हो अपना अपने बारे में वो तुम एक बार के लिए भूल जाते हो और यू कॉन्सेंट्रेट ऑन बेबी कि हाँ ये आने वाला है कुछ टाइम बाद तो आपकी वो चीज़ें कुछ टाइम के लिए आप भूल जाते हो सेकंड थिंग मैं बोलूँगी
कि राइट अ जर्नल, एक डायरी आप लिखो. नॉट ओनली आपको खुशी मिले, क्योंकि ऑब्वियसली लिख के तो खुशी नहीं मिलती है, बट आपके अंदर जो जितनी फ्रस्ट्रेशन होती है, आप बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं आप कहना चाहते हो, सुनाना चाहते हो, जो ऑब्वियसली नहीं सुना पाते हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो अच्छी हो, मतलब दोनों ही चीज़ें, तो इट्स बेटर टू राइट इट डाउन. उससे क्या होगा, एक तो आपकी भड़ास निकल जाएगी जो आपके अंदर भरी हुई है, और दूसरा क्या होगा कि एक टाइम आएगा बाद में कभी, तो आप उस टाइम को याद करोगे कि मतलब मेरे साथ क्या हुआ था, 9 महीने कैसे गुजरे थे. तो वो एक रिटर्न में आपके पास होगा, मेमोरी हो जाती है ना. एक होता है कि मन में होती है और एक होता है कि रिटर्न में होती है. तो रिटर्न में अगर आप पढ़ते हो तो वो अलग ही एक एहसास होता है. मैंने कर दिया था जब मुझे बेबी की हार्ट बीट सुनाई दी थी, मैं बहुत खुश हुई थी और मुझे अपने आप ऐसा लगा कि 1 महीने बाद कि आई हैव टू राइट अ डायरी, और आई हैव स्टार्टेड राइटिंग इट एंड अभी भी मैं लिख ही रही हूँ. 9 महीने होने वाले हैं, ये ऑलरेडी ऑर्डर कर रखी थी पहले कभी और ये खाली पड़ी हुई थी, तो इसमें ऊपर वैसे भी लिखा ही हुआ है कि रिमेंबर टुडे इज द टुमारो यू वरीड अबाउट यस्टरडे. ये मेरी मेमोरी जिंदगी भर मेरे साथ रहने वाली है, सो आई लव इट. तो आप अपने आप को बिजी रखने के लिए भी कर सकते हो, फ्यूचर के लिए भी लिख सकते हो, मतलब किसी भी तरीके से लिखो, बट मस्ट से कि यू हैव टू राइट अ डायरी, अपने खुशी के लिए लिख सकते हो. ये तो था कि आपको नेगेटिविटी से मतलब कॉप अप करने के लिए करना था, बट नेक्स्ट थिंग इज टू मेक यू हैप्पी. फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होते ही आप थोड़ा बेटर फील करते हो, वो जो नौशिया और जो मॉर्निंग सिकनेस वो ऑलमोस्ट कम हो जाती है. मुझे मेन जो था 4th month के बाद हुआ था, 3rd तक था हल्का फुल्का, बट 4th में बहुत ज़्यादा था. सो नाउ द थिंग्स विच मेक यू हैप्पी, सबसे पहले तो अपना पैशन कुछ भी हो फॉलो करो. कईयों को कुकिंग पसंद होती है, कईयों को गार्डनिंग पसंद होती है, जैसे मुझे डांस पसंद था और वीडियोस बनानी पसंद थी स्पेशली, तो मैं रील्स वगैरह बनाती, मुझे अच्छा लगता था. आई फील नॉर्मल कि हाँ मैं नॉर्मल हूँ, क्योंकि वो एकदम से वो सडन जो चेंज आता है ना, तो आप समझ नहीं पाते हो कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में. देखो जो होना है वो तो हो गई, बट अपने आप को नॉर्मल और सोनिया को सोनिया फील कराना भी बहुत ज़रूरी है. तो मेरा मन अच्छा हो जाता था उसके बाद. अपना कोई भी पैशन हो वो ज़रूर फॉलो करना चाहिए. एंड द अदर थिंग इज कोई भी शो देखो, लाइक मैंने कॉमेडी नाइट्स कपिल बहुत देखा, और लोग बोलते थे मतलब उसके शो में आके कि आपने अपने लाइफ चेंज कर दी, और वाकई में ट्रस्ट मी मेरा जो अच्छा टाइम जो बीता है ना वो देखकर वाकई में मैं बहुत अच्छा फील करती थी, क्योंकि हंसना होता है ना एक इतनी अच्छी थेरेपी होती है कि आप पूरा दिन आपको कैसा भी जाए बट वो 1 घंटा अच्छा बीतता था तो बाकी के टाइम भी अच्छा बीत जाता था. जिसको देख के आप खुश होते हो आप वो देखो. कई लोग माइथोलॉजिकल शोज भी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, लाइक महाभारत रामायण, तो वो भी मैंने देखे हैं. बट जो खुशी और जिससे मैं खुश होती थी, हंसती थी, क्योंकि आई लव टू लाफ, वो जो चीज़ थी मुझको नॉर्मल करने में बहुत हेल्प करती थी. एंड आई रियली इन्जॉयड वॉचिंग कपिल. एंड उसके बाद तो मैंने शायद ही उसके बाद कोई शो मिस किया कपिल का. सो या दिस इज़ अनदर थिंग विच कैन मेक यू हैप्पी. एंड इसके वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड कैटेगरी विच इज़ द फिजिकल थिंग, मतलब आपके बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसको झेलने के लिए आपको और क्या करना चाहिए, दैट विल कम इन माई सेकेंड कैटेगरी, जो कि 4th-5th month से शुरू हो जाती है. काफ़ी इचिंग, गर्मी और हर्ट बर्न, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं. 3rd month तक इतना नहीं होता, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है. सबसे पहले जो मेरी गायनो ने मुझे सजेस्ट किया था कि आई थिंक 5th month में आया 4th month में, शी सेड कि स्टार्ट यूजिंग बायो ऑयल. दिस इज़ अ बायो ऑयल एंड ये मैंने स्टार्ट कर दिया था
फिफ्थ सिक्स मंथ से. हालांकि तब तक मेरा टमी इतना नहीं निकला था, मेरा टमी मुझे दिखना ही शुरू हुआ था सिक्स एंड या फिर सेवन्थ मंथ से. तो उसके बाद वाकई में मुझे स्ट्रेच मार्क एक्चुअली विजिबल हो रहे थे सेवन्थ एट्थ मंथ में. तो स्ट्रेच मार्क्स तो अब आने शुरू हुए हैं, तो एकदम से गायब तो होंगे नहीं. मुझे लगता है इसको मैं कंटिन्यू करूँगी अभी एक दो महीना और, नौ महीने के बाद भी, तो आई थिंक ये असर करेगा. ये कहूँगी आप बायो ऑयल ही लगाओ, बाकी गायनो जो आपको सजेस्ट करती है आप वो लगाओ, बट ऑलवेज ट्राई टू यूज समथिंग. मतलब कोई मॉइस्चराइजर आपको अच्छा लगता है वो लगा सकते हो. तो मैंने तो ये स्टार्ट किया, तो आई एम ओके विद दिस. के अलावा क्योंकि जब स्ट्रेस मार्क्स आते हैं और गर्मी भी इतनी हो रही थी, मतलब अप्रैल मई में तो बहुत गंदी वाली गर्मी होती है, तो उसमें क्या था कि इतना इचिंग हो रही थी, तो उसके लिए मैं बोलूँगी आप एलोवेरा जेल लगा लो. अभी मैंने रखा नहीं, मेरे पास प्लम का था, आप लगा सकते हो जो भी आपके पास हो. एलोवेरा जेल से क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडक सी पड़ती है, बड़ा कूलिंग सा हो जाता है आप लगाते हो तो. तो तीन चीज़ें हैं, मॉइस्चराइजर, एलोवेरा जेल और बायो ऑयल. तो ये जो है आपकी बॉडी और स्पेशली आपके स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई दिस इवन ट्वाइस. ये आप लगाओ सोने से पहले और जब आप नहाते हो तब, तो इट विल गिव यू रिजल्ट. क्योंकि बाद में पछताने से फ़ायदा नहीं है, आप पहले से ही प्रिकॉशन ले लो तो बेटर रहेगा. कई लोग बोलते हैं कि वैक्सिंग नहीं करानी चाहिए क्योंकि आपकी स्किन और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है जब आप प्रेग्नेंट होते हो. तो इवन मैं भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप वैक्स कराओ. तो मैंने क्या किया था, रेजर ऑर्डर किया था और ये था वो रेजर, एरियर 3 था ये. मैंने अपनी नायका वाली वीडियो में ये दिखाया हुआ था, तो उसके बाद मैंने ये यूज़ किया एंड एक्चुअली इट इज़ वेरी स्मूथ. बहुत आराम से ये रेजर काम करता है. अब आपको पता भी नहीं चलता, दर्द का तो खैर भूल ही जाओ. बहुत आराम से आप वैक्स कर सकते हो हाथ पैरों में, इवन टमी में भी आप कर सकते हो. मैं आई प्रेफर रेजर ओवर वैक्स स्ट्रे. जब आप बात लेते हो, नहाते हो, तो नॉर्मल जो साबुन होता है आप यूज़ करते हो, उससे क्या मुझे लगा कि आपकी स्किन ना बड़ी ड्राई फील होती है. एक तो वैसे ही बहुत डिहाइड्रेशन होता है जब आप प्रेग्नेंट होते हो, आपको बहुत पानी पीना होता है, बट लेकिन आपकी स्किन ही ड्राई है तो उससे क्या होगा ना, बहुत ज़्यादा और खुजली होगी आपकी टमी में और रैशेज वगैरह भी होंगे. जब मैंने जेल लगाया, शावर जेल इंस्टेड ऑफ साबुन और एनी सोप, तो मुझे थोड़ी सी अपनी स्किन कम ड्राई लगी. आई थॉट कि दिस इज द गुड थिंग, तो मैं आई हैव स्टार्टेड यूजिंग शावर जेल. दीज आर दी शावर जेल जो मैं यूज कर रही थी. ये तो है प्लम का, केट यू नॉट ये नाम है इसका. इसके अलावा मैंने एक और था एम कैफीन से भी अभी रिसेंटली मंगवाया था, तो दिस इज द चॉकलेट वन. तो दो वेराइटी हो गई मेरे पास और आई रियली लाइक बोथ ऑफ देम. आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जो आपको सूट करे और जो आपके पॉकेट अलाउ करे, बट आई थिंक शावर जेल इज़ बेटर ऑप्शन देन दिस सोप. सो अगर आप प्रेग्नेंट हो तो ट्राई टू यूज़ इट. मैं फिजिकल और हाइजीन की बात कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ उसमें सब इंक्लूड कर लूँ जो जो मैंने यूज़ किया है. कोई अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए तो वो वाइट डिस्चार्ज आपको पता ही होने लगता है. तो उसके लिए आई हैव इट्स अ पैंटी लाइनर फ्रॉम कार्मेसी. आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, छोटे छोटे होते हैं एंड ईजी टू यूज़, ईजी टू थ्रो. ये भी आप अपने बकेट लिस्ट में रख सकते हो. सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ मस्ट हैव फॉर ऑल द वुमेन. सो या सो नाउ हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑलमोस्ट खत्म है, थर्ड भी शुरू हो चुका है. आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपका साइज भी बढ़ता है, आप मोटे भी हो जाते हो और टमी तो अलग ही. मेरे केस में क्या था कि मेरा सिक्स सेवन्थ मंथ तक मेरा कुछ खास वेट नहीं बढ़ा, 4-5 kgs बढ़ा और मेरा सारा का जो सारा वो जो वेट जाता था, जो भी फैट जाता था वो मेरे टमी में गया. मतलब मेरे फेस को देख कर मुझे खुद नहीं पता चलता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ. तो सेवन्थ मंथ में मेरा टमी और बढ़ने लगा. देन मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ ऐसे कपड़े या क्लोथ लेने चाहिए जो मतलब मेरे साइज से एक दो साइज बड़ा हो. मैं मीडियम पहनती हूँ तो आई हैव शॉप फॉर लार्ज. तो मैं आपको दो तीन ऑप्शन दिखा सकती हूँ जो मैंने लिए. तो फर्स्ट वन इज दी H&M की ये
टॉप जो अच्छा खासा लंबा है और अच्छा खासा चौड़ा है, तो ये मैं पहन के ही दिखाऊंगी आपको, ऐसा समझ में आएगा नहीं। दिस कॉस्टेड मी 800। आप लार्ज ले सकते हो या एक्स्ट्रा लार्ज ले सकते हो, इट्स अप टू यू। बट हाँ, 8th-9th मंथ में आपको अच्छा खासा मतलब टॉप लेना चाहिए, मतलब बड़ा, क्योंकि हमारे टॉप से काम नहीं चलता है, तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। कम से कम 2-3 तो आप ले ही लो, क्योंकि जो पुराने होते हैं ना, वो बिल्कुल जब आप सोते हो ना तो बिल्कुल ऊपर चढ़ जाते हैं, तो आपको 2-3 टॉप तो आपको लेनी ही पड़ेगी। और मैंने ऑनलाइन लिया था, ये मैंने मिंत्रा से लिया था, ये भी ऑलमोस्ट लग तो भेज ही रहा है, बट दिस इज़ वेरी लाइट मिंट ग्रीन कलर का है और दिस इज़ ऑल्सो गुड। या ये मीडियम, एक्चुअली ये मैंने बहुत पहले ले लिया था, तो ये मेरे को अभी तो शायद उतना फिट नहीं आएगा, दिस इज़ ऑल्सो गुड, बट ये मुझे आई थिंक 5-6 मंथ तक फिट आ जाता, बट मैंने ये पहना ही नहीं, मैं भूल ही गई इसको पहनना। और मैंने लिया था मिंत्रा से, तो ये था पिंक में, ये अच्छा खासा लार्ज है, ये मुझे काफ़ी सही लगा। हाँ, लंबा मुझे थोड़ा कम लग रहा है, पिंक कलर इज़ माय फेवरेट, सो दिस इज़ ऑल्सो गुड। सो दीज आर दी टॉप्स, मतलब जो एक्स्ट्रा लार्ज टॉप आप ले सकते हो, जो आपको जो सूट करता है मतलब। और इसके अलावा जो ज़रूरी है टॉप के अलावा, आप नीचे क्या पहनोगे, तो मैंने एस्टेड लेगिंग ली थी H&M की, जो बाय वन गेट वन मतलब 2 का पेयर था, ये एकदम टमी एरिया तक मतलब ऊपर तक ऐसे आ जाती है, और मीडियम में ही लिया मैंने, बिकॉज मुझे लार्ज का था कि पता नहीं क्या ज़्यादा लूज ना हो जाए। अभी तो ये अच्छी खासी फिट आ रही है, मुझे लगता है पहनते पहनते ही ठीक हो जाएगी। तो मैंने टॉप के नीचे पहनने के लिए लिया था, तो मैं जितने भी अभी टॉप दिखा रही हूँ सबके नीचे ही पहनने वाली हूँ, और या दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। अच्छा, एक तो यही है जो मैंने पहन रखा है अभी, इसको मैं दिखा दूंगी। इसमें ये मैंने लिया था मिंत्रा से, और ये पूरा गाउन है, तो ये अभी पहनने के लिए तो अच्छा है ही, साइड में इसके ये जिप भी है, क्योंकि आप बाद में जो ब्रेस्ट फीड करवाओगे अपने बेबी को, तो उसके लिए बहुत सही रहेगा। तो हो सकता है मैं हॉस्पिटल में भी लेके जाऊँ, जब मैं डिस्चार्ज होंगी तो मैं यही पहन के आने वाली हूँ आई थिंक। जो गाउन मुझे लगता है 1-2 तो आप ले ही लो, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, स्पेशली गर्मियाँ भी हो रही है और प्रेगनेंसी भी है, तो दोनों ही केस में ये बेस्ट रहते हैं गाउन। इसके अलावा मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ, द मैक्सी, और मुझे काफ़ी पसंद आई है, ऑनलाइन ली थी मैंने, अच्छा खासा कलर है और कॉटन है, प्योर कॉटन है, ये मैंने अमेजोन से ली थी, और इसके साइड में भी ऐसे जिप है फीडिंग के लिए। लार्ज में ली है और लार्ज मुझे एकदम परफेक्ट आया है लेने के बाद, जो कि मुझे लगता है आएगी, तो मैं एक दो और मंगवा लूँगी, कि मुझे बहुत अच्छी लगी है कॉटन में सूट, जिसमें पहला है मैक्स से लिया मैंने लार्ज में, काफ़ी रीजनेबल था ये, एंड दिस इज़ लाइक पिंक, बहुत ही लाइट मोव कलर बोलूँगी, पिंक से ज़्यादा मैं इसको, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये भी रेयॉन है, मुझे रेयॉन वाला कॉटन या रेयॉन मुझे लगता है, जो मटेरियल इतना सॉफ्ट होता है, स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट हो, तो मुझे लगता है ये 2 मटेरियल आपके लिए बेस्ट हैं, क्योंकि इसमें एक तो गर्मी नहीं लगती, दूसरा ये चुभते नहीं है, तो ये 2 कपड़े मुझे बहुत पसंद आए, और ये तो बहुत ही ज़्यादा सस्ते थे, 599 का था, आई जस्ट लव्ड इट, और फुल स्लीव है ऑलमोस्ट, तो या दिस इज़ द वन। एंड इसी के साथ मैंने, मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने सेकंड भी ले लिया, और ये सेकंड था, सेम ही था कैटेगरी का, 599 ही था आई थिंक ये भी, और बस ये कलर इसमें डिफरेंट है, ये थोड़ा सा एथनिक में भी आ रहा है, और वैसे भी अब थोड़ा 1-8 महीने बाद तो वैसे भी त्यौहार शुरू हो जाएंगे, तो मुझे लगा ऐसे नहीं तो ऐसे यूज़ हो जाएगा, तो ये कलर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इस कलर में मेरे पास कुछ है भी नहीं, तो दोनों मुझे 599 मतलब 1100-1200 रुपये में आपको 2 चीज़ें मिल गई, कुर्ती और क्या चाहिए आपको। हाँ, सो आई थिंक दिस इज इट, बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा, सो दीज आर माय प्रेगनेंसी एसेंशियल, आई होप पीपल लाइक इट एंड आई होप ऑल वुमेन लाइक इट, इफ़ यू रियली लाइक इट प्लीज गिव इट अ थम्स अप, एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट, सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, एंड या डोंट फॉरगेट टू स्माइल, bye.